अध्याय 3 दिसंबर 2022 पवनप्रीत कौर खन्ने का नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते कम करदी सी। रात नू साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाले, इसका नाम है। तो हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी। ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे कम करदी सी। 3 दिसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाहे उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है तो 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ये भी इल्जाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप नूं खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप नूं बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर दा कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी दा अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल दे धर्म सिंह धालीवाल दी भाल की जा रही है। कैनेडा भर दे विच गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ्तार किया गया। प्रितपाल सिंह अते अमरजीत कौर नूं खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ दी रहण वाली सी पवनप्रीत कौर कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दिसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी। तां साइकिल ते इह शख्स आया सी, ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी, साइकिल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी। साइकिल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, तो उस ते इल्जाम ने 21 साल की पवनप्रीत कौर दे कतल दे। तो इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जान बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दिसंबर 2022 नूं इस लड़की का कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरों नूं जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वल्लों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी। दो भैणां सीगियां, दो भैणां दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबरों के वल्लों परिवार के वल्लों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उस नूं पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तो इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसका रिलेशन सी, किसे वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों उह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दिसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तो यह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकिल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। पुलिस नूं साइकिल बरामद कर लिया सी, वह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी होई। तो हुण जांच दे विच इह सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी। ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी है लगातार की जा रही है।
ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਾਤਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖੰਨੇ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁਲਾੜ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਵਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਲ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ
पढ़ती भी सी तो इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल के नाल उसका रिलेशन सी किसी वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता गोलियां मार दित्तियां जदों गैस स्टेशन ते कम कर रही सी पवनप्रीत कौर 21 साल दी सी पवनप्रीत जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है जदके पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली है तो 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते कम कर रही सी पवनप्रीत तो यह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है पुलिस नूं साइकल बरामद कर लिया सी ओह भी चोरी दा सी ते ब्लैक कलर दी हुड्डी इसने पाई हुई सी सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां पर पहचान नहीं सी होई ते हुण जांच दे विच इह सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर दा कतल कीता सी ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी उह लगातार की जा रही है तो धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है तो कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने उह जारी कर दिते गए ने दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ़्तार किया जाए पर कातल हाले भी फरार है दो परिवारिक मैंबरां नूं जरूर गिरफ़्तार किया गया 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है दस्या जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी रिलेशन च सी किसे वजह करके आपस दे विच जिहड़ा ओह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां एक भैण कैनेडा गई मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता तो कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लिए भी कहा गया जेकर वह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनूं गिरफ़्तार करन दीआं कोशिशां लगातार कर रही है गया है 3 दसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने का नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी गैस स्टेशन ते कम करदी सी रात नूं साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाल इसका नाम है ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी साइकल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी कतल कर दिता सी जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ़्तार किया गया है तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे कम करदी सी 3 दसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है थाहे उसकी मौत हो जाती है तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने ते इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है तो 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ़्तार किया गया है दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ए वी इल्जाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप नूं खुद ही गुमशुदा बना लिया सी तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप नूं बना लिया सी कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर दा कतल होया सी कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी दा अरैसट वारंट जारी किया गया है 30 साल दे धर्म सिंह धालीवाल दी भाल की जा रही है कैनेडा भर दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ़्तार किया गया प्रितपाल सिंह अते अमरजीत कौर नूं खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ दी रहण वाली सी पवनप्रीत कौर कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी तां साइकल ते इह शख्स आया सी ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी साइकल भी चोरी दा दस्या जा रहा सी साइकल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी
देश दे विच कैनेडा दे विच अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, तो उस दे इल्ज़ाम ने 21 साल की पवनप्रीत कौर दे कतल दे, ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जानबुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की का कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरां नूं जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वल्लों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस ते कैनेडा गई सी। दो भैणां सीगियां, दो भैणां दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबरां दे वल्लों परिवार दे वल्लों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उस नूं पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तो इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी, किसे वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तो यह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है, तो गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा है, तो गोलियां मार के फरार हो जांदा है। पुलिस नूं साइकल बरामद कर लिया सी, वह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी होई। तो हुण जांच दे विच इह सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्ज़ाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी उह लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तो कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने उह जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ़्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबरां नूं जरूर गिरफ़्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्सिया जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी, रिलेशन च सी, किसे वजह करके आपस दे विच जिहड़ा उह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां, एक भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया, पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तो कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लिए भी कहा गया, जेकर उह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनूं गिरफ़्तार करन दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते काम करदी सी, रात नूं साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्सिया जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है। तो हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तों बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी, ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रैडिट व्यू रोड ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे काम करदी सी। 3 दसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाहे उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ़ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन
ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਵਾਲ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਮ ਢਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਲ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ। 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਦਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ 10:40 'ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਇਸਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਤਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। 2 ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 1 ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆ ਹੈ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖੰਨੇ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁਲਾੜ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
पूरे कैनेडा दे विच गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी। ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे कम करदी सी। 3 दसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाहे उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है तो 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ये भी इल्ज़ाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप नूं खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप नूं बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर का कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल दे धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है, कैनेडा भर दे विच गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ्तार किया गया। प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नूं खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ की रहण वाली सी पवनप्रीत कौर कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी। तां साइकिल ते इह शख्स आया सी, ब्लैक कलर की हुड्डी पाई हुई सी, साइकिल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी, साइकिल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, तो उस ते इल्ज़ाम ने 21 साल की पवनप्रीत कौर दे कतल दे। ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जाण बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की का कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरां नूं जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वल्लों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहण वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी, दो भैणां सीगियां, दो भैणां दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबरां दे वल्लों परिवार दे वल्लों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उस नूं पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते कम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तो इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी, किसे वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों उह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते कम कर रही सी पवनप्रीत, तो यह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकिल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। पुलिस नूं साइकिल बरामद कर लिया सी, वह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी, सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी होई। तो हुण जांच दे विच इह सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्ज़ाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जाँच जिहड़ी उह लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तां कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने उह जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ़्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है, दो परिवारिक मैंबरां नूं जरूर गिरफ़्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकिल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्सिया जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी, रिलेशन च सी,
किसी वजह करके आपस दे विच जिहड़ा ओह उन्हां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां, एक भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तां कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करन लई भी कहा गया, जेकर उह आत्म समर्पण नहीं करदा तां पुलिस उस नूं गिरफ़्तार करन दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दिसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते कम करदी सी, रात नूं साइकिल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है, ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तों बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रैडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे कम करदी सी। 3 दिसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाहे उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने ते इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ़्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ये भी इल्ज़ाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप नूं खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप नूं बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर दा कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी दा अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल दे धर्म सिंह धालीवाल दी भाल की जा रही है, कैनेडा भर दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ़्तार किया गया, प्रितपाल सिंह अते अमरजीत कौर नूं। खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ दी रहण वाली सी पवनप्रीत कौर, कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दिसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी। तां साइकिल ते इह शख्स आया सी, ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी, साइकिल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी, साइकिल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, ते उस ते इल्ज़ाम ने 21 सालां दी पवनप्रीत कौर दे कतल दे, ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जाण बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दिसंबर 2022 नूं इस लड़की दा कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरों नूं जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वल्लों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस ते कैनेडा गई सी, दो भैणां सीगियां, दो भैणां दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत, परिवारिक मैंबरां दे वल्लों परिवार दे वल्लों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उस नूं पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते कम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तो इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसका रिलेशन सी, किसे वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों उह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दिसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते कम कर रही सी पवनप्रीत,
तो यह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आता है तो गैस स्टेशन पर काम करती पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा ते गोलियां मार के फरार हो जाता है। पुलिस नूं साइकल बरामद कर लिया सी, वह भी चोरी का सी, ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद हुई सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी हुई। तो हुण जांच दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी उह लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उसकी भाल की जा रही है। तो कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने वो जारी कर दिए गए हैं। दूजे पासे परिवारिक मैंबर ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ़्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबर नूं जरूर गिरफ़्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्सिया जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी, रिलेशन च सी, किसी वजह करके आपस दे विच जिहड़ा ओह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां, एक भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया, पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तो कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लिए भी कहा गया, जेकर वह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनू गिरफ़्तार करने दी कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दसंबर 2022 पवनप्रीत कौर खन्ने का नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते काम करदी सी, रात नू साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर का कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है, ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तों बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी, ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रैडिट व्यू रोड ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे काम करदी सी। 3 दसंबर रात 10 बजे के करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाहे उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने, ते इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ़्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ये भी इल्ज़ाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप को खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप को बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर का कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है। कैनेडा भर दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ़्तार किया गया। प्रितपाल सिंह अते अमरजीत कौर नूं खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ दी रहण वाली सी पवनप्रीत कौर, कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी। तां साइकल ते इह शख्स आया सी, ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी, साइकल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी, साइकल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, ते उस ते इल्ज़ाम ने 21 सालां दी पवनप्रीत कौर दे कतल दे, ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जाण बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की का कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल
दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है। दो परिवारिक मैंबरों जोड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़े पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी। दो भैन सगिया, दो भैन के वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबरों के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उसनू पैसे कट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तो इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसका रिलेशन सी, किसे वजह नू लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां। जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर, 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दिसंबर 2022 नू रात नू जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तो यह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। पुलिस नू साइकल बरामद कर लिया सी, वह भी चोरी का सी, ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी होई। तो हुण जांच दे विच इह सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत सिंह धालीवाल जिहड़ा है उसकी भाल की जा रही है। तो कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने वो जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ़्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबरां नूं जरूर गिरफ़्तार किया गया। 3 दिसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्सिया जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जानदे सी, रिलेशन च सी, किसे वजह करके आपस दे विच जिहड़ा उह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां, एक भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया, पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तो कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, जेकर वह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनूं गिरफ़्तार करने दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दिसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते काम करदी सी। रात नूं साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्सिया जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी इह शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है। तो हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी। तो इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है, जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे काम करदी सी। 3 दिसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थां ही उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ़ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है तो 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ़्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ए वी इल्ज़ाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप नूं खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप नूं बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर का कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है। कैनेडा भर दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह के परिवारिक मैंबरों गिरफ़्तार किया गया, प्रितपाल सिंह अमरजीत कौर
खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ की रहन वाली सी पवनप्रीत कौर कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। 3 दसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी तां साइकल ते ए शख्स आया सी, ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी, साइकल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी। साइकल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, ते उस ते इल्जाम ने 21 सालां दी पवनप्रीत कौर दे कतल दे। ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जान बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। ते इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की दा कतल होया, उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरों जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी। दो भैन सगिया, दो भैन के वड्डी सी पवनप्रीत, परिवारिक मैंबर के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत मेहनत न उसनू पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तां इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी, किसे वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसदा कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी। पवनप्रीत कौर 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल दी उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। ते 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तां इह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा। पुलिस नूं साइकल बरामद कर लिया सी, ओह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर दी हुड्डी इसने पाई हुई सी। CCTV दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी होई। ते हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तां कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने उह जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबरों को जरूर गिरफ्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्सिया जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जानदे सी, रिलेशन च सी, किसे वजह करके आपस दे विच जिहड़ा उह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां, एक भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया, पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तो कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, जेकर वह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनूं गिरफ्तार करने दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते काम करदी सी। रात नूं साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्सिया जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी इह शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। CCTV फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी, ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरों नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है, जिथे 21 साल की विद्यार्थन
पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे काम करदी सी। 3 दसंबर रात 10 बजे के करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उस दे गोलियां मार दिंदा है, थाहे उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उस दे खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 सालां दी अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ये भी इल्ज़ाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप को खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप को बना लिया सी कैनेडा दे विच। पवनप्रीत कौर का कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है, कैनेडा भर दे विच गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ्तार किया गया, प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नूं। खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ दी रहण वाली सी पवनप्रीत कौर, कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी। तां साइकिल ते ए शख्स आया सी, ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी, साइकिल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी, साइकिल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, ते उस ते इल्ज़ाम ने 21 सालां दी पवनप्रीत कौर दे कतल दे। ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जाण बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की का कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, 2 परिवारिक मैंबरां नूं जिहड़े शक दे आधार ते पुलिस दे वल्लों काबू किया गया है। तां पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस ते कैनेडा गई सी, 2 भैणां सीगियां, 2 भैणां दे विच्चों वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबरां दे वल्लों परिवार दे वल्लों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उस नूं पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विच्चों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तां इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी, किसे वजह नूं लै के धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तां इह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकिल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। पुलिस नूं साइकिल बरामद कर लिया सी, ओह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर दी हुड्डी इसने पाई हुई सी, CCTV दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी होई। ते हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर दा कतल कीता सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्ज़ाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ उह लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तां कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने उह जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ़्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। 2 परिवारिक मैंबरां नूं जरूर गिरफ़्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकिल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्सिया जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी, रिलेशन च सी, किसे वजह करके आपस दे विच जिहड़ा उह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर 2 भैणां सीगियां, 1 भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया, पर उत्थे जा के धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तां कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, जेकर उह आत्म समर्पण नहीं करदा तां पुलिस उसनूं गिरफ़्तार करन दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़
ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते कम करदी सी। रात नूं साइकल ते हमलावर आउंदा ए ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी। ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है, जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे कम करदी सी। 3 दसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाहे उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ़्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ए वी इल्जाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप नूं खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप नूं बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर दा कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी दा अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल दे धर्म सिंह धालीवाल दी भाल की जा रही है। कैनेडा भर दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ़्तार किया गया, प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नूं। खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ दी रहण वाली सी पवनप्रीत कौर, कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी। तां साइकिल ते ए शख्स आया सी, ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी, साइकिल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी। साइकिल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, ते उस ते इल्जाम ने 21 सालां दी पवनप्रीत कौर दे कतल दे। ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जाण बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। ते इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की दा कतल होया, उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरों जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी, दो भैन सगिया, दो भैन के वड्डी सी पवनप्रीत, परिवारिक मैंबर के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत मेहनत न उसनू पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तो इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसका रिलेशन सी, किसे वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तां इह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकिल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा। पुलिस नूं साइकिल बरामद कर लिया सी, ओह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी हुई। तो हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा ए उस दी भाल की जा रही है।
ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਤਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆ ਹੈ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖੰਨੇ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁਲਾੜ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। 3 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਵਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਖੰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਲ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ,
किसी वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां। जदों वह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी पवनप्रीत कौर, 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली है। तो 10:40 ते 3 दिसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते कम कर रही सी पवनप्रीत, तां इह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा। पुलिस नूं साइकल बरामद कर लिया सी, वह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी हुई। तो हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने। जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ लगातार की जा रही है, तो धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तो कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने वो जारी कर दिए गए हैं। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबरां नूं जरूर गिरफ्तार किया गया। 3 दिसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्सिया जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जानदे सी, रिलेशन च सी, किसे वजह करके आपस दे विच जिहड़ा उह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां, एक भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया, पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तो कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, जेकर वह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनूं गिरफ्तार करने दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दिसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते कम करदी सी, रात नूं साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी, ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है, जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे कम करदी सी। 3 दिसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थां ही उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ़्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ए वी इल्ज़ाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप नूं खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप नूं बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर का कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है। कैनेडा भर के गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह के परिवारिक मैंबरों को गिरफ़्तार किया गया। प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नू खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ की रहने वाली सी पवनप्रीत कौर, कैनेडा के ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। 3 दिसंबर 2022 नू जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी तां साइकल ते ए शख्स आया सी, ब्लैक कलर की हुड्डी पाई हुई सी, साइकल भी चोरी तो दस्या जा रहा सी, साइकल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है।
पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी ते उस ते इल्जाम ने 21 सालां दी पवनप्रीत कौर दे कतल दे ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जान बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया ते इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की दा कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरों जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी, दो भैन सगिया, दो भैन के वड्डी सी पवनप्रीत, परिवारिक मैंबर के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत मेहनत नाल उसनू पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तां इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी, किसे वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी। पवनप्रीत कौर 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तां इह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा। पुलिस नूं साइकल बरामद कर लिया सी, ओह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी हुई। तो हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तो कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने वो जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबरों को जरूर गिरफ्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 रात को गैस स्टेशन से जो पवनप्रीत कौर काम कर रही थी तो साइकिल पर आता है धर्म सिंह धालीवाल, तो गोलियां मार के फरार हो जाता है। दसया यह जा रहा है कि दोवें एक दूजे को जानते सी, रिलेशन सी, किसी वजह करके आपस के जड़ा वो उन्होंने विगड़ गई, तो धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैन सगिया, एक भैन कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजा, पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तो कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, जेकर वह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनूं गिरफ्तार करने दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दसंबर 2022 पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते काम करदी सी, रात नूं साइकिल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी इह शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है। तो हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी, ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरों नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे काम करदी सी। 3 दसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थां ही उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है, तो 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं
गिरफ्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल तो यह भी इल्जाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप को खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप को बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर का कतल होया सी। कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है। कैनेडा भर के गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। धर्म सिंह के परिवारिक मैंबरों को गिरफ्तार किया गया। प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नू खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ की रहन वाली सी। पवनप्रीत कौर कैनेडा के ब्रैम्पटन च रह रही सी। गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दसंबर 2022 नू जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी। तां साइकल ते ए शख्स आया सी। ब्लैक कलर की हुड्डी पाई हुई सी। साइकल भी चोरी तो दस्या जा रहा सी। साइकल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी ते उस ते इल्जाम ने 21 सालां दी पवनप्रीत कौर दे कतल दे। ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जाण बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की दा कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है। दो परिवारिक मैंबरों जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी। दो भैणा सीगियां। दो भैणा दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबरों के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उसनू पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया। कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी पढ़दी भी सी। तां इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी। किसे वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी। पवनप्रीत कौर 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली है। तो 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तां इह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा। पुलिस नूं साइकल बरामद कर लिया सी, ओह भी चोरी दा सी ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां पर पहचान नहीं सी हुई। तो हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी। ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ लगातार की जा रही है। तो धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तो कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने वो जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबरों को जरूर गिरफ्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्या जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी, रिलेशन च सी, किसे वजह करके आपस दे विच जिहड़ा उह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां। एक भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया, पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तो कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया। जेकर वह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनूं गिरफ्तार करने दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी। गैस स्टेशन ते काम करदी सी। रात नूं साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाल इसका नाम है। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी।
साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी कतल कर दिता सी जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे कम करदी सी। 3 दसंबर रात 10 बजे के करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाहें उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने ते इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ये भी इल्ज़ाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप को खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप को बना लिया सी कैनेडा दे विच। पवनप्रीत कौर का कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है, कैनेडा भर के गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह के परिवारिक मैंबरों को गिरफ्तार किया गया। प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नू खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ की रहन वाली सी पवनप्रीत कौर कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दसंबर 2022 नू जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी। तां साइकिल ते ए शख्स आया सी, ब्लैक कलर की हुड्डी पाई हुई सी, साइकिल भी चोरी तो दस्या जा रहा सी, साइकिल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है, पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, ते उस ते इल्ज़ाम ने 21 सालां दी पवनप्रीत कौर दे कतल दे। ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जाण बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की का कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरों जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी, दो भैणां सीगियां, दो भैणां दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत, परिवारिक मैंबरां दे वल्लों परिवार दे वल्लों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उस नूं पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते कम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तां इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी, किसे वजह नूं लै के धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल की सी पवनप्रीत, जबकि धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जबकि पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली है। तो 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते कम कर रही सी पवनप्रीत, तो यह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकिल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा। पुलिस नूं साइकिल बरामद कर लिया सी, ओह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी, सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी हुई। तो हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्ज़ाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जाँच जिहड़ी आ लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तां कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने ओह जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ़्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है, दो परिवारिक मैंबरां नूं जरूर गिरफ़्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकिल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्या जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी, रिलेशन च सी, किसे वजह करके आपस दे विच
जिहड़ा उह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां, एक भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तां कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, जेकर उह आत्म समर्पण नहीं करदा तां पुलिस उसनूं गिरफ्तार करन दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दिसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते कम करदी सी, रात नूं साइकिल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है, ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। CCTV फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रैडिट व्यू रोड उते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे कम करदी सी। 3 दिसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाए उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने ते इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ़्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ए वी इल्जाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप नूं खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप नूं बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर दा कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी दा अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल दे धर्म सिंह धालीवाल दी भाल की जा रही है, कैनेडा भर दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ़्तार किया गया, प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नूं। खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ दी रहण वाली सी पवनप्रीत कौर, कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दिसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी। तां साइकिल ते ए शख्स आया सी, ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी, साइकिल भी चोरी दा दस्या जा रहा सी, साइकिल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है, पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, ते उस ते इल्जाम ने 21 सालां दी पवनप्रीत कौर दे कतल दे। ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जानबुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। ते इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दिसंबर 2022 नूं इस लड़की दा कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरों जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी, दो भैणा सीगियां, दो भैणा दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत, परिवारिक मैंबरों के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उसनू पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तां इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी, किसे वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दिसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत,
ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਇਸ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਾਤਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖੰਨੇ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁਲਾੜ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਵਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है। दो परिवारिक मैंबर जोड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़े पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी। दो भैन सगिया, दो भैन के वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबर के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उसनू पैसे कट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तो इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसका रिलेशन सी, किसे वजह नू लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां। जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर, 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली है। तो 10:40 ते 3 दिसंबर 2022 रात को जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तो यह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा। पुलिस नू साइकल बरामद कर लिया सी, वह भी चोरी का सी, ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी हुई। तो हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने। जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तो कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने वो जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबर ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबर नूं जरूर गिरफ्तार किया गया। 3 दिसंबर 2022 रात को गैस स्टेशन से जो पवनप्रीत कौर काम कर रही थी, तो साइकिल पर आता है धर्म सिंह धालीवाल, तो गोलियां मार के फरार हो जाता है। दसया यह जा रहा है कि दोवें एक दूजे को जानते सी, रिलेशन सी, किसी वजह करके आपस दे विच जिहड़ा वो उन्हां दी विगड़ गई, तो धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैन सगिया, एक भैन कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नू बाहर भेजा, पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तो कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नू आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, जेकर वो आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनू गिरफ्तार करने दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दिसंबर 2022 पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते काम करदी सी। रात नू साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर, ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी, ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नू भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है, जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे काम करदी सी। 3 दिसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाहे उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नू पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 साल की अमरजीत धालीवाल नू गिरफ़्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ए भी इल्ज़ाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप नू खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप नू बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर का कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है। कैनेडा भर के गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया,
धर्म सिंह के परिवारिक मैंबरों को गिरफ़्तार किया गया। प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ की रहण वाली सी। पवनप्रीत कौर कैनेडा के ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। 3 दिसंबर 2022 जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी तां साइकल ते ए शख्स आया सी, ब्लैक कलर की हुड्डी पाई हुई सी, साइकल भी चोरी तो दस्या जा रहा सी। साइकल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, ते उस ते इल्जाम ने 21 सालां दी पवनप्रीत कौर दे कतल दे। ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जान बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दिसंबर 2022 नूं इस लड़की दा कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरों जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी। दो भैणा सीगियां, दो भैणा दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबरों के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उसनू पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तां इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी, किसे वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी। पवनप्रीत कौर 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली है। तो 10:40 से 3 दिसंबर 2022 रात को जदों गैस स्टेशन पर काम कर रही थी पवनप्रीत, तो यह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आता है, तो गैस स्टेशन पर काम करती पवनप्रीत कौर के साइकिल पर आता है तो गोलियां मार के फरार हो जाता है। पुलिस ने साइकिल बरामद कर लिया, वह भी चोरी का सी, ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद हुई तस्वीर पर पहचान नहीं सी हुई। तो हुण जांच दे विच यह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी। ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ लगातार की जा रही है। तो धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तो कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने वो जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ़्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबरों को जरूर गिरफ़्तार किया गया। 3 दिसंबर 2022 रात को गैस स्टेशन पर जो पवनप्रीत कौर काम कर रही थी तो साइकिल पर आता है धर्म सिंह धालीवाल, तो गोलियां मार के फरार हो जाता है। दस्या जा रहा है कि दोवें एक दूजे को जानते सी, रिलेशन सी, किसी वजह करके आपस के जड़ा उन्होंने विगड़ गई, तो धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणा सीगियां, एक भैन कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजा, पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तो कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, जेकर वह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनूं गिरफ़्तार करने दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दिसंबर 2022 पवनप्रीत कौर खन्ने का नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते काम करदी सी। रात नूं साइकिल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर का कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाल इसका नाम है। तो हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर, ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी। तो इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरों नू भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते
क्रैडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है जिथे 21 साल की विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब के खन्ना के पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे काम करती सी। 3 दसंबर रात 10 बजे के करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उस दे गोलियां मार दिंदा है, थाहें उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उस दे खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल तो यह भी इल्जाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप को खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप को बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर का कतल होया सी। कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है। कैनेडा भर दे विच गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ्तार किया गया। प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नूं खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ दी रहण वाली सी पवनप्रीत कौर कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। 3 दसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी तां साइकिल ते इह शख्स आया सी, ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी, साइकिल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी। साइकिल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, तो उस दे इल्जाम ने 21 साल की पवनप्रीत कौर दे कतल दे। तो इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जान बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की का कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है। 2 परिवारिक मैंबरां नूं जिहड़े शक दे आधार ते पुलिस दे वल्लों काबू किया गया है। तां पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस ते कैनेडा गई सी। 2 भैणां सीगियां, 2 भैणां दे विच्चों वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबरां दे वल्लों परिवार दे वल्लों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उस नूं पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विच्चों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तां इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी, किसे वजह नूं लै के धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तां इह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकिल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। पुलिस नूं साइकिल बरामद कर लिया सी, ओह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर दी हुड्डी इसने पाई हुई सी। CCTV दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी होई। ते हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर दा कतल कीता सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने जिस ढंग दे नाल इह कतल होया उस मामले दी जांच जिहड़ी आ उह लगातार कीती जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल कीती जा रही है। तां कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने उह जारी कर दित्ते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग कीती सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ़्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। 2 परिवारिक मैंबरां नूं जरूर गिरफ़्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकिल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्सिया जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी, रिलेशन च सी, किसे वजह करके आपस दे विच जिहड़ा उह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर 2 भैणां सीगियां, 1 भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया, पर उत्थे जा के धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तां कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, जेकर उह आत्म समर्पण नहीं करदा तां पुलिस उसनूं गिरफ़्तार करन दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3
दसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते कम करदी सी। रात नूं साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ये शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है। तो हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ये हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। तो हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी। तो इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे कम करदी सी। 3 दसंबर रात 10 बजे के करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाहे उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है तो 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ़्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल तो यह भी इल्ज़ाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप को खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप को बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर का कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है, कैनेडा भर दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ़्तार किया गया। प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नूं खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ दी रहण वाली सी पवनप्रीत कौर, कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी। तां साइकिल ते ये शख्स आया सी, ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी, साइकिल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी, साइकिल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, तो उस ते इल्ज़ाम ने 21 साल की पवनप्रीत कौर दे कतल दे। तो इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जान बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की का कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरां नूं जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वल्लों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस ते कैनेडा गई सी, दो भैणां सीगियां, दो भैणां दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबरां दे वल्लों परिवार दे वल्लों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उस नूं पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते कम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तां इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी, किसे वजह नूं लै के धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते कम कर रही सी पवनप्रीत, तां इह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकिल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा। पुलिस नूं साइकिल बरामद कर लिया सी, ओह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर दी हुड्डी इसने पाई हुई सी, सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी हुई। ते हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर दा कतल कीता सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्ज़ाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी है वह लगातार की जा रही है।
ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा ए उस दी भाल की जा रही है। तां कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने ओह जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग कीती सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबरां नूं जरूर गिरफ्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकल ते आउंदा ए धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा ए। दस्सिया जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी, रिलेशन च सी, किसे वजह करके आपस दे विच जिहड़ा ओह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां, एक भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया, पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तां कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया। जेकर वह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनूं गिरफ्तार करने दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते काम करदी सी। रात नूं साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्सिया जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। CCTV फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी। ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड उते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे काम करदी सी। 3 दसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थां ही उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है तो 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ़्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल तो यह भी इल्ज़ाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप को खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप को बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर का कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है। कैनेडा भर दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ़्तार किया गया, प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नूं। खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ की रहण वाली सी पवनप्रीत कौर, कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी। तां साइकल ते ए शख्स आया सी, ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी, साइकल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी, साइकल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, तो उस ते इल्ज़ाम ने 21 साल की पवनप्रीत कौर दे कतल दे। तो इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जान बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की का कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरों जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी, दो भैणा सीगियां, दो भैणा दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत, परिवारिक मैंबरों के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उसनू पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई।
कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करती सी पढ़ती भी सी तो इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसका रिलेशन सी किसी वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर 21 साल की सी पवनप्रीत जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है ते 10:40 ते 3 दिसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत तां इह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा पुलिस नूं साइकल बरामद कर लिया सी ओह भी चोरी दा सी ते ब्लैक कलर दी हुड्डी इसने पाई हुई सी सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां पर पहचान नहीं सी हुई ते हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ लगातार की जा रही है ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा ए उस दी भाल की जा रही है तां कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने ओह जारी कर दिते गए ने दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए पर कातल हाले भी फरार है दो परिवारिक मैंबरां नूं जरूर गिरफ्तार किया गया 3 दिसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकल ते आउंदा ए धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है दस्सिया जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी रिलेशन च सी किसे वजह करके आपस दे विच जिहड़ा ओह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां एक भैण कैनेडा गई मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता तो कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया जेकर वह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनूं गिरफ्तार करने दीआं कोशिशां लगातार कर रही है गया है 3 दिसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी गैस स्टेशन ते काम करदी सी रात नूं साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ये शख्स धर्म सिंह धालीवाल इसका नाम है ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिता गया है पूरे कैनेडा दे विच गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी साइकल ते आया सी ये हमलावर ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी कतल कर दिता सी जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ्तार किया गया है तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे काम करदी सी 3 दिसंबर रात 10 बजे के करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है थाहे उसकी मौत हो जाती है ते हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने ते इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ्तार किया गया है दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ये भी इल्ज़ाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप को खुद ही गुमशुदा बना लिया सी तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप को बना लिया सी कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर का कतल होया सी कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है कैनेडा भर दे विच गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ्तार किया गया प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नूं खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ दी रहण वाली सी पवनप्रीत कौर कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दिसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी तां साइकल ते इह शख्स आया सी ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी साइकल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी साइकल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी ते हुण
कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, तो उस दे इल्ज़ाम ने 21 सालों की पवनप्रीत कौर दे कतल दे। ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जान बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की दा कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरां नूं जिहड़े शक दे आधार ते पुलिस दे वल्लों काबू किया गया है। तां पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस ते कैनेडा गई सी। दो भैणां सीगियां, दो भैणां दे विच्चों वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबरां दे वल्लों परिवार दे वल्लों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उस नूं पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विच्चों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तां इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी, किसे वजह नूं लै के धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी। पवनप्रीत कौर 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तां इह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा। पुलिस नूं साइकल बरामद कर लिया सी, ओह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर दी हुड्डी इसने पाई होई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी होई। ते हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर दा कतल कीता सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्ज़ाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा ए उस दी भाल की जा रही है। तां कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने ओह जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ़्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबरां नूं जरूर गिरफ़्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्सिया जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी, रिलेशन च सी, किसे वजह करके आपस दे विच जिहड़ा ओह उन्हां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां, एक भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया, पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तां कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, जेकर वह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनूं गिरफ़्तार करने दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते काम करदी सी। रात नूं साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्सिया जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी इह शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी। तो इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे काम करदी सी। 3 दसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, तां ही उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ़ वारंट जारी किए गए ने। इस मामले दे विच उसकी मदद करन
ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਵਾਲ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਮ ਢਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਲ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਦਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ 10:40 'ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਇਸ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਤਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆ ਹੈ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖੰਨੇ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁਲਾੜ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
पूरे कैनेडा दे विच गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी। ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे कम करदी सी। 3 दसंबर रात 10 बजे के करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाहें उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है तो 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल तो यह भी इल्जाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप को खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप को बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर का कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है, कैनेडा भर के गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह के परिवारिक मैंबरों को गिरफ्तार किया गया। प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नू खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ की रहन वाली सी पवनप्रीत कौर कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। 3 दसंबर 2022 नू जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी तां साइकिल ते ए शख्स आया सी, ब्लैक कलर की हुड्डी पाई हुई सी, साइकिल भी चोरी तो दस्या जा रहा सी, साइकिल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, तो उस ते इल्जाम ने 21 साल की पवनप्रीत कौर दे कतल दे। ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जाण बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की का कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरों जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी, दो भैणां सीगियां, दो भैणां दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबरों के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उस नूं पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तो इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसका रिलेशन सी, किसे वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली है। तो 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तो यह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकिल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा। पुलिस नूं साइकिल बरामद कर लिया सी, ओह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी हुई। तो हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तां कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने ओह जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबरों नूं जरूर गिरफ्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकिल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्या जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी, रिलेशन च सी,
किसी वजह करके आपस दे विच जिहड़ा उह उहनां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां, एक भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तां कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, जेकर उह आत्म समर्पण नहीं करदा तां पुलिस उसनूं गिरफ़्तार करन दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दिसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते कम करदी सी, रात नूं साइकिल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी ए शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है, ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रैडिट व्यू रोड उते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे कम करदी सी। 3 दिसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाए उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने ते इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ़्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ए वी इल्जाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप नूं खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप नूं बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर दा कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी दा अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल दे धर्म सिंह धालीवाल दी भाल की जा रही है, कैनेडा भर दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया, धर्म सिंह दे परिवारिक मैंबरां नूं गिरफ़्तार किया गया, प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नूं। खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ दी रहण वाली सी पवनप्रीत कौर, कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी 3 दिसंबर 2022 नूं जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी। तां साइकिल ते ए शख्स आया सी, ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी, साइकिल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी, साइकिल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है, पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, ते उस ते इल्ज़ाम ने 21 सालां दी पवनप्रीत कौर दे कतल दे। ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जाण बुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। तो इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दिसंबर 2022 नूं इस लड़की दा कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरों जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी, दो भैणा सीगियां, दो भैणा दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत, परिवारिक मैंबरों के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उसनू पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तो इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसका रिलेशन सी, किसे वजह नूं लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। तो 10:40 ते 3 दिसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत,
ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਇਸ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਾਤਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖੰਨੇ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁਲਾੜ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਥਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਵਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है। दो परिवारिक मैंबर जोड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़े पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी। दो भैन सगिया, दो भैन के वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबर के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उसनू पैसे कट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विचों गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तो इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसका रिलेशन सी, किसे वजह नू लैके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां। जदों ओह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर, 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली है। तो 10:40 ते 3 दिसंबर 2022 रात को जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तो यह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा। पुलिस नू साइकल बरामद कर लिया सी, वह भी चोरी का सी, ते ब्लैक कलर की हुड्डी इसने पाई हुई सी। सीसीटीवी दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी हुई। तो हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने। जिस ढंग दे नाल कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तो कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने वो जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबर ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबर नूं जरूर गिरफ्तार किया गया। 3 दिसंबर 2022 रात को गैस स्टेशन से जो पवनप्रीत कौर काम कर रही थी, तो साइकिल से आता है धर्म सिंह धालीवाल, तो गोलियां मार के फरार हो जाता है। दसया जा रहा है कि दोवें एक दूजे को जानते सी, रिलेशन सी, किसी वजह करके आपस के जड़ा वो उन्होंने विगड़ गई, तो धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैन सगिया, एक भैन कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नू बाहर भेजा, पर उत्थे जाके धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तो कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नू आत्म समर्पण करने लई भी कहा गया, जेकर वह आत्म समर्पण नहीं करता तो पुलिस उसनू गिरफ्तार करने दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दिसंबर 2022 पवनप्रीत कौर खन्ने का नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते काम करदी सी। रात नू साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्या जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी इह शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है। तो हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर, ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी, ते इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरां नू भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते क्रेडिट व्यू रोड ते गैस स्टेशन है, जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे काम करदी सी। 3 दिसंबर रात 10 बजे दे करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, तां ही उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नू पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 साल की अमरजीत धालीवाल नू गिरफ़्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल ते ए वी इल्जाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप को खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप नू बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर दा कतल होया सी, कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी दा अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल दे धर्म सिंह धालीवाल दी भाल की जा रही है। कैनेडा भर दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया,
धर्म सिंह के परिवारिक मैंबरों गिरफ़्तार किया गया। प्रितपाल सिंह ते अमरजीत कौर नू खन्ना नेड़ले पिंड कलाड़ दी रहण वाली सी पवनप्रीत कौर कैनेडा दे ब्रैम्पटन च रह रही सी, गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। 3 दसंबर 2022 नू जदों ओह गैस स्टेशन ते कम कर रही सी तां साइकल ते इह शख्स आया सी, ब्लैक कलर दी हुड्डी पाई हुई सी, साइकल भी चोरी दा दस्सिया जा रहा सी। साइकल ते आया ते गोलियां मार के फरार हो गया सी। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों पूरी देश दे विच कैनेडा दे विच अरैसट वारंट जारी किया गया है। पंजाब दे नाल ही संबंधित है धर्म सिंह धालीवाल भी, ते उस ते इल्जाम ने 21 सालां दी पवनप्रीत कौर दे कतल दे। ते इस मामले दे विच सितंबर 2022 दे विच ही उसने खुद नूं जानबुझ के इंटेंशनली उसने अपने आप नूं गुमशुदा कर लिया। ते इस मामले दे विच हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों जिहड़ा 3 दसंबर 2022 नूं इस लड़की दा कतल होया उस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं जिम्मेवार ठहराया है। धर्म सिंह धालीवाल दस दिए कि भाल उसकी की जा रही है, दो परिवारिक मैंबरों जिहड़े शक के आधार पर पुलिस के वलों काबू किया गया है। तो पवनप्रीत कौर खन्ना के नेड़ले पिंड कुलाड़ की रहने वाली पवनप्रीत कौर स्टडी बेस से कैनेडा गई सी। दो भैणां सीगियां, दो भैणां दे विचों वड्डी सी पवनप्रीत। परिवारिक मैंबरों के वलों परिवार के वलों बड़ी मशक्कत नाल मेहनत नाल उस नूं पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा गया, कैनेडा भेजा गया पढ़न दे लई। कैनेडा दे विच उह गैस स्टेशन ते काम भी करदी सी, पढ़दी भी सी। तां इस दौरान धर्म सिंह धालीवाल दे नाल उसदा रिलेशन सी, किसे वजह नूं लै के धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता, गोलियां मार दित्तियां जदों उह गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत कौर। 21 साल दी सी पवनप्रीत, जदके धर्म सिंह धालीवाल की उम्र 30 साल दसी जा रही है। धर्म सिंह धालीवाल भी पंजाब दे नाल संबंधित है, जदके पवनप्रीत कौर खन्ना दे नेड़ले पिंड कुलाड़ दी रहण वाली है। ते 10:40 ते 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं जदों गैस स्टेशन ते काम कर रही सी पवनप्रीत, तां इह शख्स जिसका नाम धर्म सिंह धालीवाल है आउंदा है ते गैस स्टेशन ते काम करदी पवनप्रीत कौर दे साइकल ते आउंदा है ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। पुलिस नूं साइकल बरामद कर लिया सी, उह भी चोरी दा सी, ते ब्लैक कलर दी हुड्डी इसने पाई हुई सी। CCTV दे विच जरूर कैद होईयां सी तस्वीरां, पर पहचान नहीं सी होई। ते हुण जांच दे विच इह सामने आया कि धर्म सिंह धालीवाल ने ही पवनप्रीत कौर का कतल किया सी, ते उस ते पवनप्रीत कौर दे कतल दे इल्जाम ने जिस ढंग दे नाल इह कतल होया उस मामले की जांच जिहड़ी आ उह लगातार की जा रही है, ते धर्म सिंह धालीवाल जिहड़ा है उस दी भाल की जा रही है। तां कनेडा दे विच अरैसट वारंट जिहड़े ने उह जारी कर दिते गए ने। दूजे पासे परिवारिक मैंबरां ने मंग की सी कि कातल नूं जल्द तो जल्द गिरफ़्तार किया जाए, पर कातल हाले भी फरार है। दो परिवारिक मैंबरों जरूर गिरफ़्तार किया गया। 3 दसंबर 2022 नूं रात नूं गैस स्टेशन ते जदों पवनप्रीत कौर काम कर रही सी तां साइकल ते आउंदा है धर्म सिंह धालीवाल ते गोलियां मार के फरार हो जांदा है। दस्सिया जा रहा है कि दोवें एक दूजे नूं जाणदे सी, रिलेशन च सी, किसी वजह करके आपस दे विच जिहड़ा उह उन्हां दी विगड़ गई ते धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। पवनप्रीत कौर दो भैणां सीगियां, एक भैण कैनेडा गई, मापिया ने परिवार ने बड़ी मशक्कत नाल मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची नूं बाहर भेजिया, पर उत्थे जा के धर्म सिंह धालीवाल ने उसका कतल कर दिता। तां कैनेडा पुलिस दे वल्लों धर्म सिंह धालीवाल नूं आत्म समर्पण करन लई भी कहा गया, जेकर उह आत्म समर्पण नहीं करदा तां पुलिस उस नूं गिरफ़्तार करन दीआं कोशिशां लगातार कर रही है। गया है 3 दसंबर 2022 नूं पवनप्रीत कौर खन्ने दा नेड़ला पिंड है कुलाड़ ते ब्रैम्पटन दे विच रहिंदी सी, गैस स्टेशन ते काम करदी सी। रात नूं साइकल ते हमलावर आउंदा है ते कई गोलियां मार के पवनप्रीत कौर दा कतल कर दिंदा है। हालांकि दस्सिया जा रहा है कि पवनप्रीत कौर दे नाल रिलेशन च सी इह शख्स धर्म सिंह धालीवाल, इसका नाम है। ते हुण कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस दे खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिता गया है। पूरे कैनेडा दे विच गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया है। CCTV फुटेज भी सामने आई सी, साइकिल ते आया सी ए हमलावर ते गैस स्टेशन ते कम करदी पवनप्रीत कौर दे गोलियां मार के मार दिता सी, कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही सी। ते हुण इस मामले दे विच सामने आया है कि धर्म सिंह धालीवाल ने कतल किया सी। तो इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल दे दो परिवारिक मैंबरों नूं भी गिरफ़्तार किया गया है। तो दस दिए कि मिसीसागा दे ब्रिटानिया रोड अते
क्रैडिट व्यू रोड उत्ते गैस स्टेशन है जिथे 21 सालां दी विद्यार्थन पवनप्रीत कौर जो पंजाब दे खन्ना दे पिंड कुलाड़ नाल संबंधित सी उत्थे काम करदी सी। 3 दसंबर रात 10 बजे के करीब धर्म सिंह धालीवाल साइकिल ते आउंदा है ते उसदे गोलियां मार दिंदा है, थाहे उसकी मौत हो जाती है। तो हुण इस मामले दे विच धर्म सिंह धालीवाल नूं पुलिस दे वल्लों दोषी ठहराया गया है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए ने। तो इस मामले दे विच उसकी मदद करन लई उसके परिवारिक मैंबर 25 साल का प्रितवाल धालीवाल है ते 50 साल की अमरजीत धालीवाल नूं गिरफ्तार किया गया है। दस दिए कि धर्म धालीवाल तो यह भी इल्जाम ने कि उसने मामले तो कुछ चिर पहला ही अपने आप को खुद ही गुमशुदा बना लिया सी। तां सितंबर दे विच उसने खुद ही गुमशुदा अपने आप को बना लिया सी। कैनेडा दे विच पवनप्रीत कौर का कतल होया सी। कैनेडा पुलिस दे वल्लों इस संबंधी दोषी का अरैसट वारंट जारी किया गया है। 30 साल के धर्म सिंह धालीवाल की भाल की जा रही है। कैनेडा भर के गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। धर्म सिंह